इरिटेट कर दिया तुम दोनों ने मेरे को। अच्छा दो घंटे से तैयार नहीं हो रही। किससे? अच्छा पापा को दे देना। अरे चल यार चल, 9 बजे से तैयार हो रहे, 12 बज गए, चलिए। आज हम निकले हैं शॉपिंग करने के लिए। राहुल बहुत गुस्सा हो चुका है। राहुल ने ब्रेकफास्ट नहीं करने दिया था। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अभी तो ना क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट नहीं करने दिया। तू भी बोली परेशान कर रहे। कौन से पीपल्स? हमने किसी पीपल्स को परेशान नहीं किया है। तेरे पीपल बरगद अभी निकाल दूंगा एक मिनट में। सब नहीं जा रहे, सिर्फ पापा जा रहे हैं। सब भी दिन जा रहे हैं जो ना मम्मा के लिए बस। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज हम लोग निकले हैं शॉपिंग करने के लिए। आज राहुल का हाफ डे होता है तो उनकी जो जॉब स्टार्ट होती है वो बाद में स्टार्ट होती है, डे की लेट स्टार्ट होती है। तो हमने सोचा इससे पहले क्यों ना हम थोड़ी सी शॉपिंग कर ले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, कोविड के बहुत ज़्यादा फैल रहा है। लेकिन क्या है कि चीज़ ऐसी लेनी है जो क्रिसमस थी ना, जब स्टारी में मेरा था शॉपिंग। अच्छा हमें क्रिसमस ट्री के टॉप का स्टार नहीं मिला था क्योंकि हम लेट हो गए थे। अच्छा ठीक है, तो आज हम लोग जा रहे हैं इसके लिए स्लीपर्स लेने। क्या के लिए स्लीपर्स लेने? क्योंकि क्या की जो क्रॉक्स है वो पीछे से उसको हर्ट करती है, क्योंकि उसको पीछे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी है हील्स में, स्किन की प्रॉब्लम हो रखी है किया को। अब जो इसकी अभी स्लीपर्स है ना वो उसको हर्ट करती है आगे से, क्योंकि वो जो ऊपर से फ्लैप है वो थोड़ा आगे पीछे पैर होता है उसको हर्ट करती है। तो अब आना वाली स्लीपर्स लेके आएंगे, मींस कि जो हम लोग पहना करते हैं ना, जो थंब से ऐसे निकलती है, तो उसके लिए ऑनलाइन मंगवाएंगे तो लूज का और फिटिंग का बहुत ज़्यादा वो है। और ट्राई भी करके देखा है लेकिन सही नहीं आएंगे, तो इसलिए जाके शॉपिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है, ऑनलाइन नहीं मंगवा सकते। और मैंने थोड़ा सा सामान लेना है, बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है। जल्दी से जाके जल्दी आएंगे। ठीक है ठीक है श्वेना, मैं बोल लूँ अब किया नहीं बोलने देना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे शॉपिंग कर रहे हैं, इसमें बोलने नहीं देना है। मैं सोच रही हूँ किया का ना अलग से एक चैनल स्टार्ट कर देती हूँ जिसमें ये खुद अपनी व्लॉगिंग करेगी। हाँ शोना ऐसा कर ले। हाँ तो ऐसा चैनल स्टार्ट कर देती हूँ जिसमें खुद अपनी व्लॉगिंग कर लिया करेगी। इसको कैमरा दे दिया करूंगी, इसको जो बोलना है बोलेगी, जो करना है करेगी। ठीक है, ये सब कुछ दिखाएगी। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या मुझे चीज करनी चाहिए, कि किया का अलग से एक ब्लॉगिंग चैनल बनाना चाहिए जो सिर्फ किया हैंडल करेगी, जिसके अंदर किया विल बी द मेन लीड, वही सब कुछ बोलेगी एंड शी विल डू एवरीथिंग। आपके लिए भी कुछ लेके आ रहे हैं। कुकीज को ब्रेक करके फिर खाना, अगर बाहर निकाल के ब्रेक करोगे तो गिर जाएगी ना। मैं करती हूँ स्मॉल स्मॉल पीसेस, गिराना नहीं फिर। हमेशा घर से जिद करके टॉय लेके आती है, फिर आके हमें दे देती है। नहीं आपके वाले स्टेयर्स पे नहीं आना, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। नहीं छोड़ो स्लीपर्स नहीं, नहीं बैग से फ्री हो ना। कंफर्टेबल है, लूज तो नहीं है? ठीक है। गुड डॉगी, आ जाओ। हम डॉग लेने नहीं आए ना, हम स्लीपर्स लेने आए हैं। बस मैं दिखा रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, गुड गर्ल है वैसे तो। किया कुछ सफोरा से लेना था लेकिन ये क्लोज है, कोविड की वजह से। कोविड की वजह से
किसके लिए? किसके लिए ये? ये आपके लिए। बस कुछ भी पिंक ले लो। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आओ आप ही के लिए लेके देखेंगे। आना एल्सा वाली पता है उस दिन यहाँ पे ज्यादा थे जिस दिन ये टॉयज के लिए रोई थी ना। क्या? उस दिन यहाँ पे ज्यादा थी जब उस दिन ये टॉयज के लिए रोई थी। एक मिनी वाली थी ना शोना, उस दिन मैं टाइम वापस करके नहीं जा सकता ना। ये वाली स्लीपर्स ना यहाँ से इसको हर्ट करती है, तो इस वजह से हम ऐसी वाली देखेंगे जो ऐसे पहने। चलो अपना फुट दिखाओ कहाँ पे हर्ट हो रखा है आपको, इसकी वजह से ये पहनती हैं। कुछ जो पीछे का जो अरे वन टॉय चूज करना है, वन थप्पड़ भी नहीं। नहीं नहीं, नहीं सुनो टॉय लेने तो आई नहीं ना। चलो फिर घर चलो, चलो वन टाइम, चलो घर चलो। नहीं भाई सेम चीज रिपीट हो रही है, सेम चीज हो रही है ना, चलो घर चलो। तो फिर वही चीज कर रहे हो आप। चुप रहो, अब समझ आ गई है। चलिए अब चुपचाप चले, पापा घर ले जाएंगे, मत करे से फिर वही काम कर रहे हो। नहीं पापा के नहीं, नहीं टॉयज नहीं देखने। ये देखो क्या निकाला मैंने। ओए होए मिनी वाली जो ना, मिनी वाली मिल गई है। और ये सही भी है, पीछे कुछ है भी नहीं इसके। ट्राई करो जल्दी से अब। हाँ थंब के बीच से ऐसी निकलनी चाहिए। हाँ लूज है, 10 टाइट है, 12 लूज है, 11 साइड हैंगिंग। यहाँ पे अच्छा कलेक्शन है ना स्लीपर्स का, मरमेड वाली भी है, आना एल्सा वाली भी है, मिनी है। ये रही मरमेड वाली, नहीं नहीं साइजेस है ना, ये रे जाना, ये ऐसे ऊपर नीचे हो रखे हैं। मैं लूंगी नहीं टाइट 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 नहीं लूंगी, सिर्फ देखते हैं। अगर लेना है उससे बताओ, रंज लेना जाओ आप, टॉयज जाके देख लो। देखने देना, पहनो जल्दी पहनो दूसरा भी। ये सही लग रहा है, ऊपर से ही फिटेड आ रहा है, ठीक है ये सर। मुझे अच्छा लगता है टॉयज, तो बस आपने देखने के लिए कहा था, देखो और चलो। चले आप देख लिया, अच्छा देख देखो कितनी ब्यूटीफुल है सोना, अच्छी है ड्रेसेस। चलो अब ले लिया है ना वन चीज, ले लिया है ना, चलो अब। हाँ मुझे पता है, हाँ ये भी अच्छा लग रहा है। जाओ क्योंकि वॉशरूम का है, तुम यहाँ पे सोप है सेंसर से और ये ड्रायर है। नाइस चल तो हम पी लें। नहीं वैसे पूछ रहे, आपने कुछ नहीं लिया। Black. हो गया मैचिंग। तेरी मम्मी हर जगह कैमरा खोल के है, हर जगह काका मिलेगी ऐसे। हाँ तो कैठी लेके आए थे ना, कहाँ है
देखो कहाँ रखी है यहाँ पे। कौन लेके क्या आप टेक केयर नहीं करी क्या आपने? खोदी कैंडी भी खोदी, ब्राउनी भी खोदिया। चलो अब मत लाना आज के बाद। क्यों लेके आते हो घर से? मैंने कितनी बार बोला शोना कर दी ना लॉस्ट। हम सिया के लिए इयररिंग्स देखने के लिए आए हैं। बाहर देखिए गोल्ड है पर आई गेस 14 कैरेट गोल्ड है। यहाँ पे हम आए हैं वूलवर्थ्स एज यूजुअल ग्रोसरी की शॉपिंग करने। क्या आपको कुछ चाहिए? ठंडू लग रही है। हाँ ये थोड़ा ज़्यादा वेजिटेबल्स की वजह से जो ना ऐसे टेम्परेचर करा हुआ है ना इन्होंने, इसलिए ठंड लग रही है। राहुल अपना प्रोटीन ले रहे हैं। प्रोटीन कहाँ है हमारी? नहीं मिली कहाँ है? कहाँ यही तो है। शोना क्या थिंक करती रहती हो? टॉयज के बारे में सोचते रहते हो क्या बस? वापस भाग के गई है पापा के पास। तो क्यों ले रहे थे पापा करने तो ना? नहीं आप नहीं कर सकते ना, वेट हो जाओगे पूरा। आ जाओ कर जाइए, कोई नहीं इतना लोड के ले रहे हो। दुखी हो रही है, इसको नहीं करने दे रहे। तो लंच में राहुल आलू के टोस्ट खाएंगे और मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ कि और मैं कढ़ी एंड राइस खाएंगे। मैं यहाँ पे कढ़ी के लिए पकौड़ी बना रही हूँ। मैं बताती हूँ मैंने कैसे बनाई है ये पकौड़ी। तो प्याज ली है, थोड़े सा पालक लिया है और उसके अंदर मैंने डाला है नमक, मिर्च, दो हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक और सूखा धनिया। बस 3 चम्मच बेसन डाल के और इसको अच्छे से मिला के, बस थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी डाला है जैसे मिला के, और फिर बस इसकी पकौड़ी उतार रही हूँ। यहाँ पे एक बार की मैंने पकौड़ियाँ उतार ली है, दूसरी बार की चल रही है और थर्ड टाइम की इसके अंदर। मैं ज़्यादा पकौड़ियाँ नहीं डालती हूँ कढ़ी में क्योंकि हम लोग बस 3 ही हैं तो ज़्यादा कढ़ी नहीं बनती है। ये इसलिए ज़्यादा पकौड़ियाँ बनती क्योंकि पकौड़ियाँ मैं खा लेती हूँ कढ़ी के अलावा, थोड़े एक्स्ट्रा बना के पकौड़े और केचप के साथ खाती हूँ। थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा पकौड़ियाँ बना रही हूँ। चाहे आप प्याज के पकौड़ी कढ़ी के लिए बना रहे हो या ऐसे ही खाने के लिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि ज़्यादा बेसन ना डालो। बस उतना ही बेसन डालो जितना ये इन प्याज को कोट कर सके, इन प्याज को कवर कर सके। अगर ज़्यादा बेसन डालते हो तो अंदर कच्चा कच्चा रह जाता है, ज़्यादा अच्छी करारी भी नहीं बन पाती है। अगर कम बेसन डालते हो तो बहुत अच्छी से करारी बनती है, बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनती है। देखो जो फर्स्ट बैच था वो पकौड़ियाँ तो मैंने पूरी खा ली है, अभी सेकेंड टाइम मैंने निकाली है और ये थर्ड टाइम का है। इसलिए अगर आपकी कढ़ी थोड़ी बनने वाली है तो एक प्याज बहुत होती है, मैंने दूसरी ली है क्योंकि मैं पकौड़ियाँ भी खाती हूँ। और इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो तेल है बस उतना ही लो कि जितने में आपकी पकौड़ियाँ निकल जाए, तल जाए, फिर उसके बाद जो बचो उसी के अंदर आप कढ़ी का चौक लगा सकते हो जिससे आपका ऑयल वेस्ट नहीं होता। कढ़ी बनाना बहुत आसान होता है, बिलीव मी। मुझे पहले ऐसे लगता था, अपनी पूरी लाइफ आज तक ये लगता रहा कि कढ़ी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब से मैंने बनाई है और बहुत अच्छी बनी है। मैं लास्ट 1 वीक से डेली कढ़ी बना रही हूँ क्योंकि मेरा मन ही नहीं भरा है और क्योंकि बहुत अच्छी बनी है और बहुत ईजी होती है। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच दही ली है, दही को अच्छे से फेंट लिया है और फेंटने के बाद अब इसके अंदर अगर बड़ी चम्मच है तो 1 चम्मच बेसन ही बहुत है क्योंकि ये इतनी बड़ी चम्मच थी। अगर छोटी है तो फिर आप 2 चम्मच डाल लो और इसको मैं थोड़ा सा और डालूँगी। बस 4 चम्मच दही के अंदर
ये एक बड़ी चम्मच गया है या दो चम्मच बेसन लगा लो, दो चम्मच बेसन गया, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी इसी के अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है और इसको यहाँ पे ही इसी स्टेज पे मिक्स कर लूँगी। उसके बाद छोटा एक गिलास पानी, बहुत छोटा गिलास था स्टील का, किया का, बस उतना ही मैंने पानी मिलाया है, नहीं तो आप एक कप पानी मिला के भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हो। और बस अब मैं सीधा चौक लगाऊंगी। तो इसे मैंने चौक लगाया, मेथी के दाने, आई गेस 10-15 मेथी के दाने थे, आधी चम्मच मेथी थी, थोड़ी सी कस्तूरी मिर्च थी जिससे कलर आता है, और लाइक आधी चम्मच, और आधी चम्मच मिर्च थी तीखी वाली मिर्च। बस इसे बचे हुए तेल में चौक लगा के और ये कढ़ी बन गई है। इसको लगातार घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो जब तक इसमें बॉईल आना नहीं स्टार्ट होता, अदरवाइज ये फट जाती है, पूरी ख़राब हो जाती है। तो यही मेहनत होती है कढ़ी में, बस इसके पास खड़े होके इसको घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, जैसे हल्का हल्का आप देख रहे हो ना बॉईल आना स्टार्ट हो रहा है, बस उसके बाद आप इसको कम करके और छोड़ सकते हो। और जैसे इसमें उबाल आना स्टार्ट होता है मैं इसको कम कर देती हूँ, उसी टाइम पे मैं टाइम देखती हूँ और इसको 30 मिनट्स तक ऐसे ही बॉईल होने देती हूँ, अच्छे से पकने देती हूँ। फिर सबसे लास्ट में इसमें पालक डालूँगी, पकौड़ी डालूँगी, 5 मिनट के लिए सिम करके गैस को छोड़ दूँगी बस। फिर सबसे लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे लास्ट में आप इसमें नमक ऐड करो, क्योंकि नमक की वजह से भी इसके फटने का डर होता है, तो इसलिए सबसे लास्ट में मैं सबसे लास्ट में ऐड करती हूँ, अदरवाइज ये बहुत सिंपल होती है। फिर कढ़ी रेडी हो गई है, ये हल्की सी पतली मैं रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इसमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं पसंद। और ये ऐसी जैसी बनी है मेरे को ऐसी बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसकी खुशबू तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे राइस ऐसे अच्छे लगते हैं, इसके अंदर मैंने 2 सीटी लगाई है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाला है, जैसे कि अगर 1 गिलास चावलों में 2 गिलास पानी डालती थी तो इसे मैंने 2.5 गिलास पानी डाला है ताकि अच्छे से गले हुए हो जाए, क्योंकि मुझे इसी तरीके से पसंद है, थोड़े से ज़्यादा गले हुए। वैसे लोगों को राजमा चावल पसंद है ना जिस हद तक, उस हद तक मुझे कढ़ी चावल पसंद है, मेरे फेवरेट हैं, और जब से मुझे बनाने आई है ना मैं डेली बना रही हूँ, बहुत अच्छी लगती है। कमेंट करके बताना कि और किस किस को कढ़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं। राहुल जिम गए हुए हैं और हम दोनों का लंच चल रहा है। ये क्या खा रहे हो? ये अपना फेवरेट देख रही है बारबी, बस 10 डेज से रेगुलरली बारबी देख रही है, मुझे ही बोर कर दिया है। पहले बताओ मम्मा ने आपको ये लाने के लिए कहा तो आपने इसमें से खाई क्यों? मेरे पास लेके आना था ना, फिर मम्मा आपको देती ना, अब ट्रस्ट नहीं करूंगी मैं आपके, ट्रस्ट नहीं करूंगी चॉकलेट के लिए, कभी क्या को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। दो दो एंट्स के लिए मॉल बनाओगे आप? एंट्स फूड तो पीना। अच्छा फूड कोर्ट भी चाहिए एंट्स के लिए? शॉपिंग क्या करेंगे उनसे आप, पैसे लोगे एंड से? हाँ ठीक है, फिर आप एंड्स के साथ रह लो, जाओ एंड्स के साथ, एंड्स के पास भेज देता हूँ। या तो आप एंड्स को मारोगे या फिर आप उनके लिए मॉल बनाओगे। लाली कम हो रहा है, ठीक है अभी आपके पापा प्रधानमंत्री नहीं बने ऑस्ट्रेलिया के, ये हैंड्स के लिए शॉपिंग सेंटर बनाएंगे। That is it for the day. I hope आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है या ये चैनल अच्छा लगता है या इस चैनल के कुछ भी अच्छा लगता है तो ये सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, सब्सक्राइब किया करो प्लीज़। मैं इतनी मेहनत करके वीडियोस बना रही हूँ, आपको एंटरटेन कर रही हूँ, तो आपका एटलीस्ट शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। या अगर कोई ऐसा लगता है कि हाँ यार उसको अच्छी लगेंगी ये वीडियोस तो प्लीज़ उसके साथ शेयर कर लो, क्या चला जाएगा, फ्री है सब कुछ, कुछ नहीं जाने वाला। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।